Hello friends, welcome on Success Keys. Myself Ravina Bishnoi. Today we are discussing chapter 21, that is peasant movement from 1857 to 1947. फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि इस चैप्टर को करने से पहले आप इसी बुक का जो चैप्टर 6 का जो मेरी वीडियोस हैं वो आप देखें. वो दो पार्ट में हैं वीडियोस, जिसमें सिविल अपराइजिंग एंड ट्राइबल मूवमेंट जो हैं बिफोर 1857 जो भी रिवोल्ट हैं उनके बारे में बताया गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट उनका नेचर ऑफ रिवोल्ट जो था उसके बारे में बताया गया कि नेचर कैसे होती थी, क्या इनके मुद्दे थे, कौन कौन से रीजन के अंदर फैली थी, और इनके ग्रीवियंसेस क्या होते थे जिसकी वजह से ये मूवमेंट होते थे. ठीक है, और उसके बाद में आप ये चैप्टर देखेंगे तो आपकी एक कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन हो जाएंगी. 1857 की सारी रिवोल्ट्स आपने कर ली और फिर 1857 से 1947 जो पीजेंट मूवमेंट हुई थी वो आपने सारी कर ली. तो यहाँ पर उसमें जो सिविल जो अपराइजिंग हुई थी उनके मुद्दे कैसे अलग थे, उनके क्या ग्रीवियंसेस थे, और ट्राइबल मूवमेंट्स के क्या ग्रीवियंसेस थे वो अलग अलग थे. तो वहाँ पर आपको वो सब कुछ जानकारी मिल जाएगी. प्लीज आप पहले वो वीडियोस देखिए दोनों और उसके बाद में ये चैप्टर कीजिए तो बहुत ही आपका एक कंटिन्यूटी वे के अंदर सारा कंप्लीट हो जाएगा. अब यहां पे ग्रीवियंसेस जो थे, अब जितने भी रिवोल्ट आज हम करेंगे इसके अंदर वो अगर इनके ग्रीवियंसेस, अगर तकलीफ, अगर कोई प्रॉब्लम जो थी वो सेम ही थी सभी, दैट इज कि एक नई इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़, नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो थी इनकी, जो डिफरेंट जो सेटलमेंट्स की गई थी, नई नई पॉलिसीज़, नए नए कानून जो लेके आए गए थे कि दैट इज़ डिफरेंट परमानेंट सेटलमेंट, रैतवाड़ी, महलवाड़ी, ठीक है, और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स का रून होना जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग होना लैंड की, जो हैंडीक्राफ्ट्स अगर उनके ख़त्म हो गए हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो जो लोग क्या थे वापस उनको रूरल हो गया था, दोबारा जो अर्बनाइजेशन से लोग अब क्या हो गए, रूरल मूवमेंट, गांवों की तरफ मूव करना शुरू हो गए थे, तो जिसकी वजह से अब जमीन के ऊपर बोझ ज्यादा पड़ गया था, और नया जो रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल सिस्टम की यहां पे अब वो नया एक पंचायत लेवल की जो पावर होती थी वो खत्म कर दी गई. उन्होंने एक नया जुडिशियल सिस्टम की कोर्ट के अंदर तुम केसेस लेके आओ, अगर तुम्हारे कोई ग्रीवियंसेस हैं तो कोर्ट वो खत्म करेंगी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये नया सिस्टम समझ में नहीं आना, और ये कोर्ट भी हम जो आम पीजेंट के हक में कोई निर्णय नहीं देते थे क्योंकि यहाँ पे रिश्वतखोरी करके जो मनी लेंडर और बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं अपने हक में सारे मुकदमे करवा लेते थे, तो इनकी हालत काफ़ी ख़राब थी. साथ ही साथ इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा करवाया जाना, इनके पास कुछ भी ना बचना लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए, कि कोई भी पैसा इनके पास नहीं बचता था कि पैसा कुछ लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए लगाया जा सके. तो अगली जो उपज होती थी वो बहुत कम होती थी, फेमाइंस. ठीक है, उसके साथ साथ ही जब अगर हम नेक्स्ट फेज ऑफ आते हैं कि जब वर्ल्ड वार जो शुरू होती है उसके अंदर जो राइज इन प्राइजेज, जो प्राइजेज के अंदर काफ़ी हाइक होना, राइज इन प्राइजेज की वजह से इनकी हालत और ज़्यादा, ये रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे और ये मनी लैंडर के ग्लिचेस के अंदर आ चुके थे, बिल्कुल कि मनी लैंडर के चुंगल में फंस चुके थे, उनको पे नहीं कर पाते थे. अगर देखनी है तो मदर इंडिया मूवी देख लेना, ये मनी लैंडर के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा. ये पीजेंट की कंडीशन उस मूवी पूरी अच्छी तरह से बता देती है कि उस टाइम पर पीजेंट की कंडीशन क्या होती है. आप बोलते हो कि मैम ये वाली मूवी, हर बार किसी मूवी का नाम लेते हो, ये नहीं कि आपको देखनी जरूरी है, बट एक जो यहां पे एक, अगर आप जैसे हम कोई भी, मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूं तो आपके माइंड में एक जो पिक्चर डेवलप होती है, वो जो पिक्चर डेवलप हो रही है वो अगर एक आप मूवी देख लेंगे तो वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है. तो अभी कोई टाइम नहीं है, बट अगर जब भी टाइम मिले, जब भी फ्री हो तो देख सकते हैं. तो यहाँ पे ये हुआ था कि ये दीज आर द ग्रीवियंसेस. ठीक है, तो इसी के आगे ये सभी मूवमेंट इन्हीं ग्रीवियंसेस के आसपास में ही चलेंगी, और फिर बाद में हम देखते हैं कि एक कम्युनल क्लैशेस भी आने शुरू हो गए थे, कि कम्युनल की हिंदू और मुस्लिम के कम्युनल, जैसे मालाबार की मूवमेंट में आपको देखने की, जो मोपला की मूवमेंट हुई थी उनके अंदर कम्युनल जो कम्युनल क्लैशेस होने थे वो भी शुरू हो गए थे. तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे पीजेंट्री बहुत इम्पावरिश्ड, पुअर पीजेंट्री, ये उनके सारे ग्रीवियंसेस, हाई रेंट्स, इल्लीगल लेविज, आर्बिट्री एविक्शंस, ये भी एक बड़ा, मतलब कि अपनी मन मर्जी से जब मर्जी हमारे जमीन जब्त कर ली है उन्होंने, हमसे जमीन ले ली गई है. ठीक है, और अनपेड लेबर, ये भी एक बड़ा ग्रीवियंसेस था कि यहाँ पे मजूरी करनी पड़ती थी, एज अ स्लेव्स कार्य करना पड़ता था, बेगार देनी पड़ती थी जमींदारी एरियाज के अंदर, जमींदार घरों में काम करवा रहे थे. ठीक है, कि अभी कोई नौकर चाकर, बस ये नौकर चाकर ही बन गए थे पीजेंट उनके. तो रायतवाड़ी एरियाज के अंदर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा उनके अंदर लेवी, उनसे इतना ज़्यादा जो
जो रेवेन्यू उनको पे करना पड़ता था कि ये ओवरबर्डन्ड हो गए थे फार्मर, और वो ग्लिचेस के अंदर के पास कुछ नहीं, ग्लिचेस में आ गए थे मनी लैंडर के कि ये डिफ़िकल्टीज़ में काम आएंगे। अब ये वहाँ पे अपनी मोर्टगेज रखते थे, अपनी ज़मीन को गिरवी रख देते थे, अपने गहना गिरवी रख देते थे, अपने बैल गिरवी, अपने घरों को गिरवी रख देते थे, और वो कभी छुटा ही नहीं पाते थे। उनके ऊपर इतना ज़्यादा सूद पे सूद लगा लिया जाता था कि वो कभी उस जंगल से निकल ही नहीं पाते थे। तो नेक्स्ट कल्टीवेटर, अब जो कल्टीवेटर पहले एक किसान कल्टीवेटर था, और वो अब यहाँ पे क्या बन गया था, लैंडलेस लेबरर बन गया था उसकी जगह पे, लेबर की तरह कार्य कर, खुद की ज़मीन है, खुद की ज़मीन पे ही लेबर बन के कार्य कर रहा है। तो ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी पीसेंट्स को, ओफन ये उनको पीसेंट हमेशा खिलाफ थे कि हमारा इतना एक्सप्लोटेशन करा जा रहा है। बाद में उनको समझ में आ गया था कि हमारे रियल एनिमी कौन है, कॉलोनियल स्टेट, ये कॉलोनियल रिजाइम ही हमारा रियल एनिमी है। उस टाइम पे हम देखते हैं कि काफ़ी क्राइम्स भी हुए थे कि ये रोबरी, मतलब कि जब अब थका हारा इंसान कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब तूर से फंस गया है यहाँ पे, या तो फांसी लगा ले खुद को, या फिर कुछ क्राइम रॉबरी यहाँ पे डकैती वगैरह करते थे, मनी लेंडर के घर में घुस गए, उनका सामान उठा के ले गए हैं, जला दिए हैं, जो भी उनके लैंड रिकॉर्ड से उनको जला देते थे, तो ये केसेस होने लग गए थे। सर्वे ऑफ द अर्ली पीजेंट मूवमेंट, अब स्टार्टिंग की अगर अर्ली पीजेंट मूवमेंट देखें तो वो कैसी थी, इंडिगो रिवोल्ट हुई थी 1859 to 1860 के बीच में, बंगाल के अंदर जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था लोकल पीजेंट के द्वारा, और उनको फोर्स किया जाता था कि लोकल पीजेंट को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाता था इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा, उनको फोर्स किया जाता था कि आपको इंडिगो यहाँ पे उगानी है, वो मतलब कि क्योंकि उनको राइस अगर वो उगाते थे उनको काफ़ी मुनाफा मिलता था, एक घर के अंदर भी यूज़ हो जाता था, पर उनको बोला जाता था कि नहीं तुम्हें इंडिगो उगानी है यहाँ पे, और उनको एडवांस में पैसे दे देते थे और उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, एडवांस में पैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि अब तुम क्या करोगे, उगाओ और हमें वापस भेजना। तो बहुत कम दामों से इनसे ली जाती थी और आगे महंगे दामों में बेचे जाते थे, इनके हाथ में बहुत कम यहाँ पे जो था जो प्रॉफिट था इनके हाथ में आता था। प्लांटर्स यहाँ पे इनको डराते धमकाते भी थे, नहीं तो अगर तुम करोगे तो हम तुम्हें किडनैप करके लेके चले जाएंगे, अलग जगह पे रख जाएंगे, तुम्हें कोई यहाँ पे ढूंढा ही नहीं जा सकता, और उनकी वुमेन्स के, उनके बच्चों के ऊपर अटैक किए जाएंगे, तुम्हारी हम कैटल ले लेंगे, और तुम्हारे घरों को जला दिया जाएगा, तुम्हारी क्रॉप्स को जला देंगे, उगाओ तुम यहाँ पे राइस, हम तुम्हारी क्रॉप्स को आग लगा देंगे। मतलब डराना धमकाना करके बेचारों को थकी हारे इनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते थे, बट कभी ना कभी तो वो भड़ास, वो कुकर, प्रेशर कुकर से कभी तो गैस निकलती है ना, तो एंगर जो था यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोड हो गया था 1859 के अंदर। ये किसके द्वारा, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास ऑफ नाडिया डिस्ट्रिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिगो रिवोल्ट के लीडर थे दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, ये इन्होंने बोला कि हम कोई इंडिगो अब नहीं ग्रो करेंगे, नहीं उगाएंगे हम इंडिगो, और अगर जो अगर प्लांटर क्या थे लटियाल्स लेके आ जाते थे जो यहाँ पे इनके साथ लड़ाई करते थे, उन्होंने बोला कि ठीक है लेके आओ, उनको रेजिस्ट किया, हम भी उनके खिलाफ अब लड़ाई करेंगे, और यहाँ पे क्योंकि लठियार्स को किसका बैक होता था, पुलिस और कोर्ट को, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम भी उन तुम्हें यहाँ पे काउंटर करेंगे, उन्होंने प्लांटर्स ने अपना खुद प्लांटर्स ने उनको अगेंस्ट अटैक करना शुरू कर दिया। प्लांटर्स ने क्या किया, ठीक है मैथड एविक्शन एंड हांस डेंस, ठीक है कि प्लांटर्स ने मेथड किया कि हम तुम्हारा रेंट बढ़ा देंगे, तुम्हारी ज़मीनें जब्त करा लेंगे, तो रायत्स ने बोला कि ठीक है बढ़ा दो रेंट, हम रेंट ही नहीं देंगे तुम्हारा, ठीक है। एंड फिजिकली उन्होंने फिजिकली भी रजिस्ट किया खुद को, खुद हम लड़ेंगे तुम्हारे खिलाफ, लठियार के खिलाफ अब हम लड़ाई करेंगे। ग्रेजुअली उन्होंने यहाँ पे किसका सहारा दिया, क्योंकि अब ये कोर्ट के मेथड को थोड़ा बहुत समझने लग गए थे, तो उन्होंने लीगल मेथड को अपनाया कि हम कोर्ट के अंदर जाएंगे, अपील करेंगे, ठीक है तुम्हारे खिलाफ केस लड़ेंगे हम, और यहाँ पे पूरे गांवों से मिलकर इन्होंने फंड कलेक्शन किया और इनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। बंगाली इंटेलिजेंसिया जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने काफी साथ दिया इन पीजेंट का लीगल बैटल लड़ने में, क्योंकि इनको लीगल मैटर के बारे में नॉलेज थी, तो इन्होंने उनका काफी साथ दिया, सपोर्ट किया। गवर्नमेंट, इन्होंने फिर गवर्नमेंट को थक हार के एक इंडिगो कमीशन बनानी पड़ी कि इंक्वायरी की जाए कि प्रॉब्लम क्या हो रही है इंडिगो कल्टीवेशन के अंदर, क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, इतना ज्यादा आक्रोश क्यों फैला हुआ है। तो उनकी रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया नवंबर 1860 में कि रॉयत को कंपेल नहीं किया जाएगा, अगर वो नहीं चाहते इंडिगो उगाना तो उनको कंपेल नहीं किया जाएगा, और जो डिस्प्यूट्स हैं वो लीगल मेथड से सुलझाए जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बाद में इंडिगो प्लांटर 1860 तक आते थे, इंडिगो प्लांटर्स यहाँ से चले गए थे, बट ये नहीं कि परमानेंटली चले गए थे, यहाँ से जो इंडिगो प्लांटर चले गए थे ये अब बंगाल से उठ के कहाँ पे आ गए थे, बिहार वाले रीजन्स के अंदर आ गए थे, ठीक है, जो बाद में गांधी जी आते हैं यहाँ पे विद्रोह चंपारण, और ये आगे हम देखें
देखेंगे कि उनके अंदर वो आते हैं। नेक्स्ट आता है पाबना एग्रीगेरियन लीग्स 1870 और 1880s के अंदर लार्ज पार्ट ऑफ ईस्टर्न बंगाल यहाँ पे एग्रीगेरियन अनरेस्ट होते हैं। यहाँ पे बहुत ही ओप्रेसिव जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं जमींदार के खिलाफ उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है बंगाल बियॉन्ड द यहाँ पे, क्योंकि इनसे जो रेवेन्यू जो रेंट लिया जा रहा था आउट ऑफ द लिमिट, मतलब कोई लिमिट नहीं है, लीगल लिमिट से भी ज़्यादा लिया जा रहा था, तो प्रिवेंटेड द टेनेंट्स फ्रॉम और ना ही उनको कोई ऑक्यूपेंसी राइट थे अंडर द एक्ट 10 ऑफ 1850। उनकी ऑक्यूपेंसी राइट भी ले लिए गए, उनसे रेंट भी ज़्यादा लिया जा रहा है, तो और साथ ही साथ उनकी ज़मीनें जब्त की जा रही हैं, उनकी कैटल क्रॉप सब कुछ जब्त की जा रही हैं। कोस्टली अगर वो अगर कोर्ट के अंदर भी जा रहे हैं तो वो उन्हें काफ़ी मेथड काफ़ी महंगा लग रहा है, कोस्टली लिटिगेशन होती थी और पुअर पीजेंट के हक में कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तो उनके हक में लिया जाता था। तो पीजेंट जो थे यूसुफ जाही परगना इन पटना डिस्ट्रिक्ट, तो वो एक एग्रीगेरियन लीग बनाते हैं और वो बात करते हैं कि हम रजिस्ट करेंगे, ज़मींदार की डिमांड को नहीं मानेंगे, रेंट स्ट्राइक पे आ जाएंगे। रॉयत ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम जो इतना तुमने बढ़ाया हुआ रेंट ले रहे वो बढ़ाया हुआ रेंट हम नहीं देंगे, और चैलेंज किया ज़मींदार को कि कोर्ट में हम तुम्हारे खिलाफ कोर्ट के अंदर जाएंगे। और फंड आपस में गाँवों से मिलकर फ़ंड रेज किए इन्होंने थ्रू आउट द पटना के अंदर, और एक यहाँ पे ये मतलब कि लीगल रेजिस्टेंस एक फॉर्म थी यहाँ पे, ये लीगल रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा वायलेंस नहीं होती है, लीगल रेजिस्टेंस से कार्य किया जाता है और ये जो कंटिन्यू रहती है 1885 तक। और बाद में देखते हैं कि बहुत सारे पीजेंट को दोबारा से ऑक्यूपेंसी राइट भी मिल जाते हैं और एनहांस जो रेंट को एनहांस वो भी नहीं देते हैं। 1885 के अंदर बंगाल टेनेंसी एक्ट पास किया जाता है, तो एनहांस्ड जो इनसे लिया जा रहा था वो माफ़ कर दिया जाता है, इनको ऑक्यूपेंसी राइट भी मिल जाते हैं। इनका साथ यहाँ पे भी फिर दोबारा इंडियन इंटेलिजेंसी इनका साथ देते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी आर सी दत्त एंड इंडियन एसोसिएशन बनाई जाती है अंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। डेक्कन रॉयट्स जो होते हैं ये रीजन होता है वेस्टर्न इंडिया का, यहाँ पे भी हैवी टैक्सेशन होती है रायतवाड़ी सिस्टम के अंदर, टैक्स काफ़ी ज़्यादा ले लिया जाता है यहाँ पे विशियस नेटवर्क यहाँ पे ये बुरी बिल्कुल मनी लैंडर के बिल्कुल चंगुल के अंदर फंस जाते हैं और मेन बेनिफिशरी मनी लैंडर को ही होते हैं। ठीक है, मेनली ये जो मनी लेंडर होते हैं मेनली आउटसाइडर होते हैं, मारवाड़ी या गुजरातीज होते हैं, और ये यहाँ पे क्योंकि इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब तब हो जाती है जब यहाँ पे कॉटन के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अमेरिकन सिविल वार के वहाँ पे कॉटन ग्रो की जाती है, तो वहाँ पे जब कॉटन ग्रो इतनी ज़्यादा मात्रा में तो इंटरनेशनल मार्केट में इनके कॉटन के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं, तो इनको मनी लेंडर भी काफ़ी कम पैसा देंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का डिसीजन होता है कि अब गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड रेवेन्यू जो होती है बढ़ा देती है, भाई प्राइस नहीं है कुछ नहीं मिल रही, वीक हो रहे हैं प्राइसेस, तो यहाँ पे इनका लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया 1867 के अंदर। और यहाँ पे सेशन ऑफ द बैड हार्वेस्ट, और साथ ही साथ हार्वेस्ट भी काफ़ी बैड, उपज भी काफ़ी नहीं हुई, प्रोड्यूस भी काफ़ी बैड रहा होता है, तो सोशल यहाँ पे मनी 1874 के अंदर पूरा टेंशन, पूरी बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है मनी लैंडर और पीजेंट के बीच में। और यहाँ पे जो पीजेंट होते हैं वो कहते हैं कि भाई सोशली बायकॉट किया जाएगा, सोशल बायकॉट मूवमेंट शुरू होती है कि अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, आउटसाइडर ये जो मनी लेंडर होते हैं इनके अगेंस्ट, मतलब इनका बायकॉट करेंगे, अगर इनकी कोई ज़मीन है ना तो उनके ज़मीन पे कोई यहाँ पे जाके खेती जोती करेगा, और ना ही यहाँ पे इनको इनके घरों में कोई कार करेगा, ना ही इनको बार सर्विस देंगे, ना ही वॉशिंग धोबी इनके घरों में जाके ना सर्विस करेंगे, ना शू मेकर, कोई भी इनको सर्व नहीं करेगा, इनके घरों में ना कोई काम करेंगे ना इनकी ज़मीनों में कोई काम करेंगे, और अगर इनको कोई अगर इनका कोई साथ भी देगा, अगर कोई इनका साथ देना चाहेगा इनके घरों में काम करना चाहेगा तो उसका हम बायकॉट कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये मूवमेंट शुरू होती है अगेंस्ट इनके, एंड द डेप्ट बॉन्ड्स एंड द डीड्स आर सीज्ड, यहाँ पे इनके घरों में जाके डेप्ट बॉन्ड को सीज कर लिया जाता है, पब्लिकली बर्न कर दिया जाता है। गवर्नमेंट भी यहाँ पे इनको काफ़ी रिप्रेस करती है इस मूवमेंट को, और फिर बाद में सोचते हैं चलो यहाँ पे बातचीत करके ये मामला समझाया जाए, तो डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट पास किया जाता है 1879, तो इनके अंदर जो रेंट वगैरह होता है वो काफ़ी कम कर दिया जाता है। मॉडर्न नेशनल इंटेलिजेंस या महाराष्ट्र की होती है वो भी इनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है इनके कोज के लिए। अब चेंज जो देखिए नेशनल और नेचर ऑफ अ पीजेंट मूवमेंट आफ्टर 1857, पीजेंट के नेचर के अंदर 1857 के अंदर क्या यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट में चेंज आया होता है, तो चेंज ये आया होता है कि यहाँ पे पीजेंट इमर्ज एंड द मेन फोर्स इन एग्रीगेरियन, पीजेंट एक मेन फोर्स यहाँ पे बनके उभरते हैं एग्रीगेरियन मूवमेंट में, और ये डायरेक्टली फाइट करती हैं अपनी मांगों के लिए, ये डायरेक्ट फाइट करते हैं, मतलब जमींदारों के साथ भिड़ रहे हैं, कोर्ट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, डिमांड की जाती हैं, डिमांड वर सेंटर्ड
ऑलमोस्ट होली ऑन जो डिमांड होती है इकोनॉमिक इशू पे होते हैं कि रेंट क्यों बढ़ाया जा रहा है उसको कम कर दो, ठीक है। मूवमेंट जो होती है डायरेक्ट अगेंस्ट द इमीडिएट एनिमीज ऑफ अ पीजेंट फॉरेन प्लांटर्स, मूवमेंट डायरेक्ट किसके, डायरेक्ट अगेंस्ट किसके कार्य करेंगे, फॉरेन प्लांटर इंडिजीनियस जमींदार और मनी लैंडर के खिलाफ ये डायरेक्ट ये मूवमेंट रेज करते हैं। स्ट्रगल जो होती है वो डायरेक्टेड टुवार्ड द स्पेसिफिक लिमिटेड इशू, जो स्ट्रगल होगी एक लिमिटेड इशू को लेके, स्पेसिफिक इशू को लेके, और ये चाहेंगे कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी कर ली जाएं। कॉलोनलिज्म वाज, यहाँ पे कॉलोनलिज्म को टारगेट नहीं बनाया जाता कि भाई ये ब्रिटिश सरकार गलत आई है, ये जो मेथड गलत कर रही हैं, या इनको हटा दो, अंग्रेजों को हटा दो, नहीं। यहाँ पे जो मांगे होती हैं वो वही होती हैं कि भाई हमारा रेंट कितना इल्लीगल तुम ले रहे हो, क्योंकि इनको इससे क्यों प्रॉब्लम नहीं, अगर आप ये अगर मान के चलें कि इनसे प्रॉब्लम क्यों नहीं होती अंग्रेजों से, क्यों, क्योंकि ये तो काफी सदियों से चली आ रही वित्तीय प्रथा, इनको राजा महाराजाओं को भी रेंट पे करना होता था, ठीक है। ये राजा महाराजाओं को भी एक टाइप का ये रेवेन्यू पे कर ही रहे होते थे, या तो अपनी क्रॉप का कुछ हिस्सा राजा महाराजाओं को दे रहे थे, तो ये इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। बट अगर इनसे हक से भी ज़्यादा मांगा जाए तो इनको प्रॉब्लम होती थी कि तू इलीगल जो ये ले रहे हो। अगर राजा महाराजा कई बार आप देखते थे कि अगर यहाँ पे फेमाइन पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, नहीं उपज हो रही, तो राजा महाराजा इनकी माफ़ भी करते थे, पर अंग्रेज ऐसे नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में ये प्रॉब्लम शुरू होती है इनके साथ, कॉलोनियलिज्म की तो बात बाद में आती है, कॉलोनियलिज्म को टारगेट नहीं किया जा रहा था। इट वॉज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज मूवमेंट टू एंड द सिस्टम, अब यहाँ पे ये इसको एक्सप्लोइटेशन को, सिस्टम को एंड करने की बात नहीं की जा रही थी कि भाई एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, कि जमींदारी कोई ख़त्म कर दो, तुम रायतवाड़ी कोई ख़त्म कर दो, नहीं, बट जो इलीगल जो हमसे लिया जा रहा है वो यहाँ पे कम करो। टेरिटोरियल रीच लिमिटेड होती थी, मतलब एक एक एरिया, जैसे हम देखें कि बंगाल परगना के अंदर एक दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात हो रही है, डेक्कन रिवर्स दो चार डिस्ट्रिक्ट को लेकर हो रही है, तो टेरिटोरियल रीच इनकी काफ़ी लिमिटेड होती थी। और कंटिन्यूटी भी कोई स्ट्रगल ऐसे नहीं कि लगातार चलती रहती, काफ़ी टाइम तक चली जा रही है, नहीं, शॉर्ट टर्म की होती थी। ये पीजेंट जो थे डेवलप हुआ था, इनकी पीजेंट को यहाँ पे अवेयरनेस आ गई थी अपनी लीगल राइट्स के, जैसे हम देखते हैं कि कोर्ट के अंदर जा रहे थे, उनकी लीगल राइट के लिए अवेयरनेस आ गई थी, एंड यहाँ पे असर्टेड देम इन एंड आउटसाइड द कोर्ट, अब ये कोर्ट के अंदर लेके जाने लगे थे अपने मुद्दे। पर यहाँ पे वीकनेस क्या थी इनकी, कि यहाँ पे उन्हें यहाँ पे ये नहीं पता था कि कॉलोनलिज्म का ही मेन रीज़न जो है, तुम्हारी एक्सप्लोटेशन का मेन रीज़न कॉलोनलिज्म ही है। एंड 19th सेंचुरी के अंदर पीजेंट डिड नॉट परसेंट, यहाँ पे उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो इतनी ज़्यादा नई आइडियोलॉजी नहीं थी, अभी तक ये पुराने ढर्रे पे ही चल रहे थे। जो इनकी स्ट्रगल्स थी वो जो हाउएवर मिलिटेंट तो थी, बट उनका अकर्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ओल्ड सोसाइटल ऑर्डर, उसी फ्रेमवर्क पे ही चल रही थी, कोई इन्होंने नई कोई टेक्निक या नहीं, उसी ढर्रे पे चल रही थी लड़ाई, जो हम देखते हैं कि बिफोर 1857 चल रही थी, उसी वे से इनकी जो लड़ाइयाँ थी कि रिकॉर्ड जला दो, ये कर दो, कुछ नया सिस्टम लेके आने की कोई बात नहीं थी, कुछ नया नहीं था इसके अंदर। लेटर मूवमेंट उसके बाद में, अगर आइडियोलॉजी भी इनकी पुरानी थी कि ठीक है, कि ठीक है लैंडलॉर्ड को तो हम फेवर कर रहे हैं बट इलीगल नहीं होना चाहिए, तो मतलब आइडियोलॉजी इनकी पुरानी थी। लेटर मूवमेंट उसके बाद में जो मूवमेंट होते हैं, हम देखते हैं कि 20th सेंचुरीज के अंदर ये जो मूवमेंट हुई थी उनके अंदर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था नेशनलिज्म मूवमेंट का, जैसे कि हम देखते हैं कि चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह के मूवमेंट होते हैं, उनके अंदर नेशनलिस्ट टिंज आ गया था काफ़ी ज़्यादा। किसान सभा मूवमेंट आफ्टर 1857 की रिवोल्ट के बाद में, अवध जैसे जैसे गवर्नमेंट ने इनका साथ देना शुरू कर दिया, अवध तालुकदार का, उनको उनकी लैंड वापस दे दी गई, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया था जमीनों पर तालुकदार का, और यहाँ पे इन्होंने रेंट बढ़ा दिए थे, बेदखली कर दी थी और इलीगल लेवीज ले रहे थे दोबारा से, जो अब उनसे नजराने बोलते थे कि नजराना लेके आइए रेवेन्यू फील्ड्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे प्राइजेस काफ़ी राइज हो गए थे और यहाँ पे पीजेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वर्सन हो गई थी, तो यहाँ पे एफर्ट किए गए होम रूल एक्टिविस्ट के द्वारा कि कुछ सभा बनाई जाए, किसान सभा ऑर्गेनाइज की थी यूपी के अंदर, एंड किसान सभा सेटअप हुई थी फरवरी 1918 के अंदर, यूपी यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा सेटअप हुई थी 1918 के अंदर, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालिया ने इनके एफर्ट को सपोर्ट किया था, तो ये याद रखना यूपी किसान सभा बनी थी 1980 के अंदर। 1919 के अंदर यूपी किसान सभा की 450 तक ब्रांचेस बन चुकी थी, प्रोमिनेंट लीडर्स इसके थे झिंगूरी सिंह, दुर्गापाल सिंह, बाबा रामचंद्र, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है बाबा रामचंद्र। जून 1920 के अंदर बाबा रामचंद्र ने नेहरू जी को बोला कि आप इन विलेजेस को विजिट कीजिए, और यहाँ पे नेहरू जी ने डेवलप किया था कि काफ़ी क्लोज कंटेक्ट यहाँ पे विलेजर्स के साथ उन्होंने बना लिया था। अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा एग्जिस्टेंस के अंदर आती हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके नेशनलिस्ट रैंक के साथ काफ़ी डिफरेंसेज हो गए थे, तो ये नहीं बनाते हैं, एक अवध किसान सभा यहाँ पे ये बनाते हैं। अवध किसान सभा बोलते हैं किसान को कि आप यहाँ पे जो जो आपको जिन जिन
जिन लैंड से आपको बेदखल कर दिया, आप उन लैंड को जोतो ही मत, ठीक है। हम मनी लैंडर्स के लिए क्यों जोते हैं ये लैंड। एंड यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप बेकार भी नहीं, यहाँ पे आप बेकार के में भी कार्य, मतलब कि लेबरर बन के कार्य नहीं करेंगे उनके घर में, जो यहाँ पे स्लेव्स बन के कार्य नहीं करेंगे, बेकार भी नहीं देंगे। और बायकॉट किया था कि डिड नॉट एक्सेप्ट दिस कंडीशन टू सोल्व द डिस्प्यूट थ्रू द पंचायत। और यहाँ पे इन्होंने ये किया कि उन लोगों का बायकॉट किया जाएगा जो हमारी ये कंडीशंस नहीं मानेगा। भाई कहीं वो जाके जोतने शुरू करते मनी लेंडर की टेनेंट्स की और तालुकदार की ज़मीनों पे, और कहीं वो बेगार देना शुरू करते, जो नहीं ये बातें मानेगा उनको ऊपर उनको बायकॉट किया जाएगा। और अपने डिस्प्यूट हम पंचायत के द्वारा सुलझाएंगे, ना कि कोर्ट में जाके सुलझाएंगे। तो उसके बाद में देखते हैं अर्लियर फोर्स ऑफ मास मीटिंग्स, जो मोबिलाइजेशन होती हैं, पैटर्न ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे कुछ चेंज होती हैं। जनवरी 1921 के अंदर अब ये यहाँ पे वायलेंस करते हैं कि यहाँ पे बाजारों को लूटते हैं, हाउसेज को लूटते हैं, ग्रेनरीज को लूटते हैं, और पुलिस के साथ भी क्लैशेस होते हैं रायबरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर के अंदर। उसके बाद में इस मूवमेंट को काफी ज्यादा रिप्रेस कर दिया जाता है और एक नया एक्ट लेके आया जाता है, अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट। एक आता है, नेक्स्ट आता है इक्का मूवमेंट। इक्का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शुरू हुई थी एंड ऑफ द 1921 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होता है क्योंकि नेशनल मूवमेंट के साथ ये चलती है। पीजेंट डिस्कंटेंट यहाँ पे दोबारा से शुरू होता है नॉर्थ यूपी के अंदर, हरदोई सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इशू क्या होते हैं कि रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, 50% रेंट बढ़ा दिया यहाँ पे। ऑपरेशन किया जा रहा है ठेकेदारों के द्वारा, जब ये वो रेंट कलेक्शन किए जा रहे हैं तो यहाँ पे मारा पीटा जा रहा है उनके द्वारा। और प्रैक्टिस ऑफ अ शेयर रेंट की प्रैक्टिस शुरू हो रही है कि यहाँ पे इतना तुम प्रोड्यूस का इतना हिस्सा हमें दोगे, तो ये प्रैक्टिस किया जा रही है। मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स ऑफ अ एका या फिर यूनिटी मूवमेंट यहाँ पे शुरू होती हैं। सिम्बॉलिक रिलीजियस रिचुअल्स यहाँ पे किए जाते हैं कि पीजेंट को, यहाँ पे पीजेंट एक किए गए थे, एक कसम कि हम लोग मिलके एक कसम खाते हैं कि हम सिर्फ उतना ही पे करेंगे जितना रिकॉर्डेड है, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, ना ही हम अपनी ज़मीनों को छोड़ेंगे, ना ही हम फोर्स्ड लेबर करेंगे, ना ही हम क्रिमिनल्स का कोई साथ देंगे, और हम पंचायत के डिसीजन को ही मानेंगे। तो ये यहाँ पे एक यहाँ पे शपथ ली जाती है। ग्रास रूट लीडरशिप, अगर एका मूवमेंट की लीडरशिप किसने की जाती है तो नाम याद रखना, दैट इज़ मदारी पासी। ये एक लोअर कास्ट के लीडर्स होते हैं, इनके साथ कुछ स्मॉल जमींदार्स भी होते हैं। और उस बाद में इस मूवमेंट को दबा दिया जाता है, 1922 के अंदर मूवमेंट एंड अप हो जाती है, और ये मूवमेंट होती है हमारी नेशनल मूवमेंट के साथ चल रही होती है एका मूवमेंट। नेक्स्ट इज़ द मापेला मूवमेंट। ये मापेला मूवमेंट, ये मुस्लिम जो टेनेंट्स होते हैं जो मालाबार रीजन के अंदर रह रहे होते हैं केरला के अंदर, और ये किसके अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं, लैंडलॉर्ड जो हिंदूज होते हैं, इनकी काफ़ी रिजेंटमेंट होती है इनके साथ, क्योंकि इनका लैंडलॉर्ड काफ़ी ऑपरेशन करते हैं। और ये बोलते हैं कि हमें इनके ग्रीवियंसेस क्या होते हैं कि हमें कोई हमारा कोई सिक्योरिटी ऑफ टेनर नहीं, इतने साल तक हम ज़मीन जोत पाएंगे, कोई सिक्योरिटी ऑफ टेनर नहीं है, रेंट हमारे से काफ़ी ज़्यादा लिए जा रहे हैं, नजराना पेश करने को बोला जा रहा है, और हमारे ऑप्रेसिव एग्जेक्शन हमें निकाल दिया जा रहा है, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे इनकी डिमांड होती है, डिमांड ऑफ द लोकल कांग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द टेनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशन। ये लोकल कांग्रेस को ये डिमांड करते हैं कि भाई आप कुछ यहाँ पे कुछ इनके रिलेशन के लिए नए कानून पास किए जाएँ। मापेला मूवमेंट मर्ज्ड, यहाँ पे खिलाफत एजिटेशन के साथ ये मापेला मूवमेंट मर्ज्ड हो जाती है, जब खिलाफत एजिटेशन चल रही होती है इसके साथ मर्ज हो जाती है एका मूवमेंट भी उसी टाइम पे, और ये मापेला मूवमेंट भी इसी टाइम पे खिलाफत एजिटेशन के साथ में। और इनके लीडर्स कौन से होते हैं, गांधी जी भी लीड करते हैं, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, और ये एड्रेस करते हैं मापेला मूवमेंट को। और लोकल, और जब ये यहाँ पे इन लीडर्स को अगर अरेस्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद में लोकल मापेला मूवमेंट इस लीडर को शुरुआत कायम रखते हैं। पर यहाँ पे 1921 के अंदर काफ़ी वर्स्ट हो जाती है, जब यहाँ पे इनके प्रीस्ट लीडर जो होते हैं अली मुसलियार को जब बंदी बना दिया जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रॉयट्स फैल जाते हैं। और यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के जो सिंबल ऑफ अथॉरिटी होता है, मतलब उनके कोर्ट को जलाना, पुलिस स्टेशन को उखाड़ना, ट्रेजरी को लूट लेना, और यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स थे, अनपॉपुलर लैंडलॉर्ड थे जिन्हें जैनमीज बोला जाता है, तो जो मोस्टली हिंदू होते थे, उनको टारगेट किया गया यहाँ पे, उनको मारा गया। ब्रिटिश डिक्लेयर्ड यहाँ पे, ब्रिटिश यहाँ पे मार्शल लॉ लगा देती है, रिप्रेशन कर दी जाती है। पर यहाँ पे जब यहाँ पे देखा जाता है कि बहुत सारे हिंदू यहाँ पे ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे होते हैं, मोपलाज ने जब ये देखा कि हिंदू इनका साथ दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक एंटी कम्युनलिस्ट ओवरटोन भी आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट भी फैल जाते हैं।
और बाद में हम देखते हैं कि मापिलास फिर बाद में आइसोलेट हो जाते हैं, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन से आइसोलेट हो जाते हैं और उसके बाद में काफ़ी यहाँ पे यहाँ के मुस्लिम काफ़ी कम पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल मूवमेंट के अंदर। दिसंबर 1921 के अंदर सारी रेजिस्टेंस होती है, बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आती है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली तालुका होती है सूरत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो यहाँ पे काफ़ी इस डिस्ट्रिक्ट की पहली पॉलिटिसाइजेशन, गांधी जी का एरिया है यहाँ पे गुजरात, तो यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन होते हैं जब गांधी जी अगर पॉलिटिकल सीन के अंदर आते हैं तो काफ़ी यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन हुई होती है इस एरिया की। ये मूवमेंट शुरुआत होती है इसकी जनवरी 1926 के अंदर, जब अथॉरिटीज डिसाइड करती है कि लैंड रेवेन्यू तुम पे लगाया जाएगा 30%, दोबारा रिवाइज करके अब इनके ऊपर लैंड रेवेन्यू 30% तुम्हें देना पड़ेगा। तो कांग्रेस लीडर्स होते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, बारदोली इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है और बाद में ये इशू आ जाता है कि भाई ये जो इतना बढ़ाया जा रहा है ना ये बहुत अनजस्टिफाइड है, नहीं होना चाहिए। फरवरी 1926 की यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो वल्लभ भाई पटेल को, यहाँ के कांग्रेस कमेटी के लीडर वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं कि आप लीड करिए इस मूवमेंट को, और वहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को वुमेन जो होती हैं वो उनको टाइटल देती हैं सरदार का। तो अगर पूछा जाए कि वल्लभ भाई को ये टाइटल सरदार का कब दिया गया था, तो ये जब बारदोली सत्याग्रह को लीड करने के लिए गए थे 1926 में, तो यहाँ पे इनको ये टाइटल दिया गया था। और यहाँ पे ये लोगों को बोलते हैं कि आप पेमेंट मत कीजिए रेंट की, जो इतना मतलब क्योंकि इलीगल लिया जा रहा है, ये मत कीजिए। और यहाँ पे ये वर्कर 13 छावनीज बनाते हैं यहाँ पे, मतलब कि वर्कर कैंप बनाते हैं इस तालुका के अंदर। बारदोली सत्याग्रह पत्रिका निकालते हैं यहाँ पे ताकि लोगों को मोबिलाइज किया जाए, उनको ओपिनियन बनाया जाए। और यहाँ पे एक इंटेलिजेंस विंग बनाया जाता है ताकि यहाँ पे ये जो भी मूवमेंट के अंदर रेजोल्यूशन पास किए जाएं सभी तक ये पहुँचे कि कांग्रेस का क्या निर्णय लिया है, रेजोल्यूशन में क्या निर्णय लिया गया, सभी लोगों को यहाँ पे फैला देते हैं पूरी तालुका के अंदर कि कोई भी लोग ऐसा मतलब मानने से इनकार ना करें, और अगर इनकार करेगा तो उसका बायकॉट किया जाएगा, जो अपोज करेगा उसका सोशल बायकॉट किया जाएगा। एम्फेसिस यहाँ पे वुमेन को मोबिलाइजेशन पे भी दिया जाता है, के एम मुंशी, लाल जी नारायण जी, यहाँ पे ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव से असेंबली से यहाँ पे ये रिज़ाइन भी कर देते हैं इस मूवमेंट का साथ देने के लिए। अगस्त 1928 के अंदर काफ़ी मासिव टेंशन होती है, बिल्डअप होती है इस एरिया के अंदर, रेलवे स्ट्राइक भी होती है बॉम्बे के अंदर। गांधी जी भी यहाँ पे तैयार होते हैं कि अगर इनके मतलब वल्लभ भाई पटेल को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो वो मूवमेंट को आगे लीड कर लेंगे। तो गवर्नमेंट को लगता है कि भाई अभी शांति से सुलझा दिया जाए, अपना छुपा लिया जाए। यहाँ पे कमेटी यहाँ पे बिठाई जाती है और वो भी मानती है कि अनजस्टिफाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जो रेंट होता है सिर्फ 6% बढ़ाया जाता है, ना कि 30%। तो ये काफ़ी ज़्यादा जीत होती है हमारे लीडर्स के लिए। 1930 के अंदर पीजेंट अवेकनिंग इन्फ्लुएंस्ड होती है ग्रेट डिप्रेशन में, 1930 के टाइम पे भी यहाँ पे होती है कि जब ग्रेट डिप्रेशन होता है, राइट जो होता है कि प्राइस राइज हो जाता है, इनके ऊपर रेंट बढ़ा दिया जाता है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ साथ ही यहाँ पे नो रेंट नो रेवेन्यू मूवमेंट शुरू होती है और यहाँ पे डिक्लाइन हो जाती है बाद में 1932 के अंदर। नेक्स्ट होता है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस सभा, ये जो लखनऊ के अंदर बनती है 1936 के अंदर, कौन बनाते हैं, स्वामी सहजानंद जी, ये इसके प्रेसिडेंट होते हैं और एनजी रंगा इसके सेक्रेटरी होते हैं। और किसान मैनिफेस्टो जो होता है यहाँ पे इशू किया जाता है और एक पीरियोडिकल लाया जाता है इंदूलाल याग्निक के द्वारा। यहाँ पे हम देखते हैं कि किसान जो कांग्रेस सभाज हैं उनके सेशन फैजपुर के अंदर 1936 के अंदर होते हैं, और ये कांग्रेस को जो मैनिफेस्टो होता है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होता है इन्हीं कांग्रेस ये जो किसान सभा का मैनिफेस्टो होता है उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होता है। 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस इन्हीं मांगों को आगे रखती है कि हम आपकी ये मांगें जो हैं पूरी करेंगे, रेंट कम करवाएंगे, या फिर जो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर आपको इजाफा दिया जाएगा, और या फिर जो काफ़ी कम हो जाएगा, तो मतलब पूरी किसान की डिमांड को यहाँ पे आगे रखा जाता है अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के अंदर 1937-1939 के अंदर ये काफ़ी वाटरमार्क होता है, यहाँ पे इस टाइम पे काफ़ी पीजेंट मूवमेंट होती हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हमारे लोग यहाँ पे मिनिस्ट्री में आके बैठे हैं तो हमारी मांगें पूर्ण की जाएंगी। और एक्टिविटीज़ काफ़ी की जाती हैं कांग्रेस के प्रोविंशियल रूल में, बहुत सारे जो जहाँ पे कांग्रेस मिनिस्ट्री प्रोविंसेज में बैठी होती है काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है, मोबिलाइजेशन होती है, कॉन्फ्रेंसेज होती है, मीटिंग होती है, और यहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा उठाई जाती है अपनी, और यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, मोबिलाइजेशन कंपेन लगाए जाते हैं विलेजेस के अंदर। पीजेंट एक्टिविटीज इन डिफरेंट प्रोविंसेस, कौन कौन से प्रोविंसेस में क्या क्या पीजेंट एक्टिविटी होते हैं, जैसे केरला के अंदर हमने बोला मालाबार रीजन के अंदर, यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक्टिविस्ट जो कार्य करते हैं, बहुत सारे कृषक संगम बनाए जाते हैं जिसे पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो काफ़ी बनती है। यहाँ पे जत्थाज के अंदर ये मार्च करते हैं, मतलब पूरे यहाँ पे इकट्ठे होकर जा रहे हैं और लैंडलॉर्ड की डिमांड, यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स के घरों में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारी मांगें पूरी करो, तो लैंडलॉर्ड उनकी बातें मानते हैं, ठीक है। 1938 के अंदर एक अमेंडमेंट भी पास किया जाता है मालाबार टेनेंसी एक्ट, काफ़ी
रिलीफ कर दिया जाता है यहाँ पे टेनेंट्स के लिए। आंध्रा के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जमींदारों के प्रेस्टीज काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जो जमींदारों की जो पार्टी होती है हार गई होती है कांग्रेस के लीडर से, और एंटी जमींदार मूवमेंट यहाँ पे शुरू होती हैं, रायत एसोसिएशंस काफ़ी बनती हैं। यहाँ पे एनजी रंगा 1933 के एक इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट बनाते हैं। आफ्टर 1936 के अंदर जो सोशलिस्ट भी होते हैं वो भी काफ़ी ऑर्गेनाइज करते हैं इस पीजेंट मूवमेंट को, और यहाँ पे समर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स शुरू होता है। जैसे हम समर कैंप में जाते हैं ना अभी फ्री टाइम में, तो यहाँ पे भी ये इनके फ्री टाइम के टाइम के अंदर समर स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है, और इनके लीडर होते हैं पीसी जोशी एंड अजय घोष एंड आरडी भारद्वाज। बिहार के अंदर हम देखें तो यहाँ पे सहजानंद सरस्वती ज्वाइन करते हैं, इनको इनके साथ यहाँ पे और आते हैं कार्यानंद शर्मा और पंचम शर्मा, ये इनको ज्वाइन करते हैं। 1935 के अंदर प्रोविंशियल किसान कॉन्फ्रेंस अडॉप्ट करती हैं एंटी जमींदारी स्लोगन, और प्रोविंशियल किसान सभा अगर हम देखें कि यहाँ पे काफ़ी रिफ्ट पैदा हो जाता है कांग्रेस के साथ में, यहाँ पे मतलब कि कांग्रेस के साथ में क्रिटिसिज्म होता है इनका, कांग्रेस के क्रिटिसिज्म करते हैं, क्योंकि ये बख्श लैंड के ऊपर कोई इशू को उठाया नहीं जाता। बख्श लैंड क्या होती है कि जब वर्ल्ड वार चल रही होती है, ग्रेट डिप्रेशन का जब आता है ट्वाइन, तब यहाँ पे जब प्राइस यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, प्राइस राइज होते हैं, तो इनकी जो लैंड होती है वो जो लैंडलॉर्ड्स के द्वारा जब्त कर ली जाती हैं, लैंडलॉर्ड के हाथ में इनको अपनी जो ज़मीनें होती हैं इनकी ज़मीनें जब्त कर ली जाती हैं उस टाइम के पीरियड में। तो इनका कहना होता है कि हमारी जो लैंड है वापस दे दी जाए, तो यहाँ पे ये इस इशू को उठाया जाता है, तो यहाँ पे कोई कांग्रेस का स्टैंड नहीं ले पाती, क्योंकि कांग्रेस एकदम से नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास ना तो पावर है और वो लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं ले पा सकते थे, क्योंकि उनको सभी को साथ लेके चलना था, उनकी खुद की मजबूरियाँ थी। तो मूवमेंट यहाँ पे बाद में देखते हैं कि डाई आउट हो देते थे अगस्त 1939 के अंदर। पंजाब के अंदर अगर हम देखें, पंजाब के अंदर हम देखें शुरुआती दौर में अगर पीजेंट को मोबिलाइज किया होता है तो वो होते हैं पंजाब नौजवान भारत सभा, ये किसने बनाई थी, भगत सिंह ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर देखें उसके बाद में कीर्ति किसान सभा, कांग्रेस अकाली ये भी अलग अलग अपनी किसान सभा मोबिलाइज करते हैं। न्यू डायरेक्शन अगर देते हैं तो वो आती है किसान किसान कमेटी बनाई जाती है 1937 के अंदर। लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो वेस्टर्न पंजाब के, उनको टारगेट किया जाता है, जो क्योंकि ये डोमिनेट कर रहे होते हैं यूनियन मिनिस्ट्री, जो यूनियन मिनिस्ट्री होती है यूनियन पार्टी होती है, ये यूनियन मिनिस्ट्री को डोमिनेट कर रहे होते हैं, इनको यहाँ पे टारगेट किया जाता है। और यहाँ पे बात की जाती है रीसेटलमेंट कर दिया जाए लैंड रेवेन्यू के अंदर अमृतसर लाहौर में कम कर दिया जाए, और यहाँ पे वाटर रेट्स को भी वाटर क्योंकि यहाँ पे नहरें आ गई होती हैं तो उनके ऊपर वाटर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, तो यहाँ पे इनको बोलते हैं कि ये कम किया जाए मुल्तान के अंदर। और यहाँ पे पीजेंट्स को पीजेंट्स स्ट्राइक करते हैं तो उनके बाद में उनको कुछ कंसेशन दे भी जाते हैं, कंसेशन लेने में काफ़ी विन होते हैं। यहाँ पे पीजेंट एक्टिविटी अगर पंजाब के अंदर देखें तो वो कंसनट्रेटेड होते हैं ज़्यादातर जलंधर अमृतसर होशियारपुर और शेखपुरा वाले रीजन के अंदर, और यहाँ पे इस जो हरियाणा वाला रीजन होता है उसमें कोई ज़्यादा इतनी एक्टिविटी नहीं होती, पीजेंट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होती है। उसके बाद में हम देखते हैं बंगाल के अंदर भी बुरदमा 24 परगना के अंदर, असम सुरमा वैली के अंदर, ओडिशा के अंदर सेंट्रल प्रोविंस और नॉर्थ एंड फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर ये होती हैं जो एक्टिविटीज़ होती हैं। अब वॉर टाइम के अंदर अगर हम देखें, ड्यूरिंग द वॉर, वॉर टाइम के अंदर कौन कौन सी प्रो वार, अगर जब कम्युनिस्ट जब प्रो वार लिंक लेते हैं कि हमें वॉर करनी चाहिए, तो हम देखते हैं कि ये किसान सभा के अंदर स्प्लिट हो जाता है कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट लाइन के ऊपर। लीडर्स जो होते हैं सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, एनजी रंगास्वामी, ये सभा को छोड़ देते हैं, पर बाद में भी देखते हैं फिर भी मूवमेंट जो होती हैं सभा जो होती है फिर भी कंटिन्यू रहती हैं, और वो फेमाइन के अंदर फेमाइन टाइम के अंदर जो 1943 के अंदर फेमाइन पड़ता है तो काफ़ी अच्छा कार्य करती हैं, उनकी ज़्यादा सहायता करती हैं। पोस्ट वार फेज अगर वॉर के बाद में देखें तो एक होती है तिभागा मूवमेंट सितंबर 1946, बिल्कुल हमारी आज़ादी से पहले ये मूवमेंट होती हैं, बंगाल प्रोविंस किसान सभा, यहाँ पे ये बोलती हैं इम्प्लीमेंट की, ये इनका कहना होता है कि आप जो फ्लड कमीशन की जो इम्प्लीमेंटेशन जो रिकमेंडेशन दी गई थी उनको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, जिसमें कहा गया कि 2/3 शेयर मिलना चाहिए हमें, तो यहाँ पे इनको इसको इम्प्लीमेंट करो टू द बर्गदार, और शेयर क्रॉपर्स आर नोन एज ए जिनको अडियार बोला गया था यहाँ पे, कि ये बोला उन्होंने बोला कि यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो पहले यहाँ पे इनको 1/2 ऑफ द शेयर मिलता था, अब यहाँ पे इनकी मांग होगी कि हमें 1/3 शेयर दिया जाना चाहिए, कि आपकी आपने जो फ्लड कमीशन बिठाया था उसकी जो रिकमेंडेशन आई थी उनमें तो हमें 1/3 देने की बात कही थी, अब आप उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। ये किसको देने की बात हुई थी, 1/3 बर्गदार्स को। ये बर्गदार्स होते क्या थे, ये वो लोग होते थे जो जोतेदार के द्वारा जो रेंट उसके उनके जो लैंड के ऊपर रेंट के ऊपर रेंट से कार्य करते थे, जोतते थे उन जमीन को, तो ये वो लोग होते थे। तो इनका
मानना था कि हमें 1/3 मिलना चाहिए, तो ये ऑर्गेनाइज करते हैं बरगदास को और ये स्लोगन निकालते हैं निज खमारे धान तोलो। तो मतलब इनका कहना ये होता है कि ये जो शेयर क्रोपर्स, जो मतलब कि जो धान को जोत रहे हैं, जिनको उनको जो उनके ऊपर खेती कर रहे हैं, उन्हीं को मिलना चाहिए, उन्हीं के घर पर वो राइस आना चाहिए, ना कि जोतेदार के घर के अंदर जाके दे दो, मतलब सारा शेयर उनको दे दो, जो जमीन पर खेती कर रहे हैं उन्हीं का ही शेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे और ये 1/3 की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इसके मेन स्ट्रॉन्ग सेंटर कौन से होते हैं, नॉर्थ बंगाल, और यहाँ पे जो लोग कौन से होते हैं ज़्यादा, राजवंशीज, ये लो कास्ट के ट्राइबल रीजन के लोग होते हैं, लो कास्ट के लोग होते हैं, मुस्लिम भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और बाद में ये फिर मूवमेंट धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि एक बरगदारी बिल लेके आया जाता है और फिर इनको रिप्रेस कर दिया जाता है। तेलंगाना मूवमेंट यहाँ पे बिगेस्ट, जो बहुत बिगेस्ट पीजेंट होते हैं, ये गोरिल्ला वारफेयर यहाँ पे करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ये सबसे बड़ी एक जो मूवमेंट आता है जहाँ पे गोरिल्ला वारफेयर का यूज़ किया जाता है, ये होती है तेलंगाना मूवमेंट। ये अफेक्ट करते 3,000 विलेजेस को और 3 मिलियन पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करती है, और ये होती कहाँ पे, हैदराबाद के प्रिंसली स्टेट के अंदर, अंदर द आजाशाही निज़ाम, जो आजाशाही निज़ाम होते हैं उनके अंडर जो विलेजेस आते हैं वहाँ पे ये मूवमेंट होती है। क्यों करते हैं इनके खिलाफ ये मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो हैदराबाद के निज़ाम जो होते हैं, यहाँ पे ये किस रीजन के अंदर बैठे होते हैं, ये रिलीजियस लिंग्विस्टिक डोमिनेशन, मतलब कि ये होते खुद मुस्लिम हैं और ये किसको यहाँ पे रूल किसके ऊपर कर रहे होते हैं, ये हिंदू तेलुगु मराठी कन्नड़ा स्पीकिंग ग्रुप के ऊपर ये लीड कर रहे होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टीज, यहाँ पे ना ही कोई पॉलिटिकल लिबर्टीज़, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर कोई पॉलिटिकल लिबर्टीज़ नहीं होती, कोई सिविल लिबर्टीज़ नहीं होती, सारे राजा के अंदर निज़ाम के अंदर ही रूल चल रहा होता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोटेशन किया जाता है देशमुख के द्वारा, ठीक है, और जागीरदार या दोराज के द्वारा, और यहाँ पे फोर्स लेबर इनको कराए जाते हैं। अगर पूछा जाए वेट्ठी क्या होती है, तो वेट्ठी एक फोर्स लेबर का नाम होता है इस हैदराबाद के रीजन के अंदर, और इलीगल एजेक्शन, इलीगल इनके ज़मीन जब्त करवा लिए जाना। वॉर के टाइम हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट लेड गरिल्ला हैड बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस इन तेलंगाना, यहाँ पे वॉर टाइम के दोबारा टाइम ये गोरिल्लाज होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बना लेते हैं तेलंगाना विलेजेस के अंदर थ्रू आंध्रा महासभा, ठीक है, एंड लीडिंग द लोकल स्ट्रगल। ये कम्युनिस्ट जो हैं, कम्युनल जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट जो हैं, यहाँ पे इनका साथ देते हैं, जो तेलंगाना के अंदर जो मूवमेंट चले इनका आंध्रा के मूवमेंट के अंदर ये साथ देते हैं, मतलब बैक करते हैं, मतलब छुपे रास्तों से इनका बैक करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इश्यूज जो उठाए जाते हैं कि वॉर टाइम के काफ़ी एग्जेक्शन होते हैं, इनका अब्यूज़ किया जाता है, इनके जो खाना इनका भोजन है इनका इलीगल, इनका अब्यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है, एंड एक्सेसिव काफ़ी रेंट लिया जा रहा है और वेठी इनसे कराइए, ये इनकी सारी यहाँ पे ये इनके ग्रीवियंसेज होते हैं। तो अपराइजिंग होती है 1946 के अंदर, जब देशमुख और जो ठग यहाँ पे मर्डर कर देते हैं इनके विलेज मिलिटेंट का, जनगांव तालिक ऑफ नलगोंडा में, ठीक है, विलेज मिलिटेंट का यहाँ पे ये जब मर्डर किया जाता है तो अपराइजिंग बहुत ज़्यादा फैल जाती है वारंगल के अंदर और खम्माम के अंदर, और यहाँ पे अपीजेंट अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, विलेज संगम बनाते हैं, अटैक करते हैं, लाठी का यूज़ करते हैं, स्टोन पत्थर मारते हैं, यहाँ पे चिली पाउडर का यूज़ किया जाता है, और फिर बाद में देखते हैं इनको काफ़ी ब्रूटली प्रेस भी कर दिया जाता है। सितंबर 1948 के अंदर आते हैं, ये काफ़ी इंटेंसिफाई रहती है इस टाइम के बीच में 47 और 48 के अंदर, और फिर बाद में देखते हैं कि ये पूरा यहाँ पे हम देखते हैं कि रजाकर्स को पूरा यहाँ पे उखाड़ फेंकती हैं, और जो जहाँ पे निज़ाम का स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स होते हैं इनको रजाकर्स को ये बिल्कुल उखाड़ फेंकते हैं। यहाँ पे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज आने के बाद में ही इन्हें दबाया जाता है। पॉजिटिव अचीवमेंट क्या होती है इस मूवमेंट के अंदर, कि विलेज का जो कंट्रोल होता है गोरिल्ला के अंदर वेठी फोर्स लेबर, ये बिल्कुल डिसअपियर्स हो जाता है बिल्कुल, कि विलेज कंट्रोल के अंदर, विलेज कंट्रोल्ड बाय गोरिल्लास और वेठी और फोर्स लेबर बिल्कुल खत्म हो जाती है, विलेज को गोरिल्ला कंट्रोल कर रहे हैं, वेठी फोर्स लेबर खत्म होगी, एग्रीकल्चर वेजेज अब रेज हो जाती हैं, जो इलीगली जो सीज लैंड थी वो वापस इनको दे दी जाती हैं, इनकी जो सीलिंग्स जो वो फिक्स कर दी जाती हैं और इनको लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यहाँ पे इरीगेशन के अंदर इंप्रूवमेंट होती है, कॉलरा से भी फाइट किया जाता है और कंडीशन ऑफ वुमेन्स भी काफ़ी अच्छी होती है। ऑटोक्रेटिक जो फ्यूडल रिजाम निज़ाम का रूल वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, फॉर्मेशन होती है आंध्र प्रदेश के लिंग्विस्टिक लाइन के अंदर जो हम बाद में देखते हैं। बैलेंस शीट अगर हम देखें कि सारी बैलेंस शीट क्या थी पीजेंट मूवमेंट जो हुई थी, यहाँ पे हम देखते हैं कि इस टाइम पे एक एटमॉस्फियर बन गया था, जो भी पीजेंट रिवोल्ट अगर हम 57 के बाद में देखें और 47 तक ये चल रही है मूवमेंट, तो एक एटमॉस्फियर बन गया था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में एग्रेगेरियन रिफॉर्म करवाए जाएंगे, लैंडलॉर्ड को ख़त्म किया जाएगा, जो ज़मीनें हैं बांटी जाएंगी, जिनके पास ज़मीनें नहीं उनको भी ज़मीनें दी जाएंगी, जो होता भी है बाद में,
एंड यहाँ पे जो पावर ऑफ लैंड क्लासेस थी, लैंड क्लासेस जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाती हैं। और यहाँ पे जो मूवमेंट होती हैं किस पे बेस्ड, और नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी पे बेस्ड होती हैं, और नेचर इन मूवमेंट के होते थे। जो नेचर अगर हम देखें कि हम जितने भी मूवमेंट देखें कि नेचर सभी की सेम ही होती हैं, डाइवर्स एरियाज़ के अंदर अगर फैली होती हैं, सभी एरियाज़ के अंदर इनकी नेचर सेम होती हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई मैसेज, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट लेसन, दैट इज द मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।